दोस्तों जो डेंगू बीमारी है वो काफी खतरनाक साबित हो सकती है यदि आप इसमें कोई तरह की लापरवाही करते हैं तो। इसलिए आपको अगर डेंगू होता है तो डेंगू में आप बिना लापरवाही के आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, जितना जल्दी संपर्क करें उतना अच्छा रहता है। दोस्तों अक्सर एक चीज जो है जो देखने को मिलती है डेंगू के साथ में, वो होता है आपका प्लेटलेट काउंट जो होता है, वो प्लेटलेट काउंट जो है काफी तेजी से नीचे गिरता है। और अक्सर इसमें देखते हैं कई दफा पेशेंट का प्लेटलेट 50,000 60,000 के आसपास जाता है, इवन 20,000 30,000 तक भी पहुंच जाती है। ऐसी जो कंडीशन होती है वह कई दफा पेशेंट के लिए अगर लापरवाही करें तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, पेशेंट को हेमरेज हो सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको डेंगू है और आपकी प्लेटलेट काउंट जो है वो अगर कम आ गई है तो इसमें बिल्कुल भी आप लापरवाही नहीं करें। दोस्तों आप अपना एलोपैथी ट्रीटमेंट जो भी आपके डॉक्टर दे रहे हैं आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, उसको कंटिन्यू रखें। और उसके साथ साथ अपने प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में जो कुछ होम्योपैथी मेडिसिन होती है जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और वो अगर आप उसके साथ साथ आप लेते हैं तो इसमें बहुत ही आपको चमत्कारी रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और अपने प्लेटलेट काउंट जो है क्योंकि काफी तेजी से नीचे गिर रहे थे आप, उसको वापस आपको उसको बढ़ाने में काफी हेल्प मिलती है। दोस्तों आज का वीडियो काफी खास है, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसका कि आपको प्लेटलेट काउंट जो होते हैं आपके जो कि काफी कम हो जाते हैं उसको बढ़ाने में आपकी होम्योपैथी बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है, उसमें इसके बहुत ही असरदार और बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे दोस्तों, यह एक होम्योपैथी के मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है जिसको कि आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से काम में लेना है, इसको कैसे बनाना है और इसके साथ साथ आपको कहाँ पर अवेलेबल होगा, इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर कुलदीप जांगिड जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप जांगिड होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों जब कभी भी आपको सब पाते हैं कि आपको डेंगू के लक्षण हैं और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उसमें पाते हैं कि आपका प्लेटलेट काउंट जो है वो काफी कम आ गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर मैं आज आपको जो कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ अगर वो आप लेते हैं तो इसमें आपको प्लेटलेट काउंट को बड़ी तेजी से आप पाएंगे कि उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है। दोस्तों इस प्लेटलेट जो कॉम्बिनेशन है इसको जो कि प्लेटलेट को बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है, उसमें बनाने के लिए तीन तरह के मदर टिंचर्स हैं जो कि काम में लिए जाते हैं। इसमें अगर बनाने के तरीके की हम बात करें तो क्या करें, यहाँ पे खाली 100 ml की एक बॉटल लें, खाली 100 ml की बॉटल में तीन मदर टिंचर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है इनोस्पोरा मदर टिंचर, कैरिका पपाया मदर टिंचर और उसके साथ साथ ऑक्सीमम सैंक्टम का मदर टिंचर। इन तीनों मदर टिंचर को 100 ml की खाली बॉटल के अंदर 30-30 ml आपको बराबर मात्रा में मिलाना होता है, उसके बाद इसको आप अच्छे से हिला लें। इस तरह से आपका जो ये कॉम्बिनेशन है जो कि तैयार हो जाता है जो कि आपके प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के लिए काफ़ी असरदार होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसको लेना किस तरह से। दोस्तों इसको लेने का बड़ा ही आसान तरीका होता है, इसके लिए आपको क्या करना होता है, खाली कप लेना होता है। खाली कप के अंदर आपको इस आधा कप गुनगुने पानी से आपको उसको भरना होता है और उसके अंदर आपको इस मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन की करीब करीब 40 बूंद आपको डालनी होती है। 40 बूंद इसमें मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन की इसमें आधा कप गुनगुने पानी में डालकर आपको सिप बाय सिप धीरे धीरे पीना होता है। ऐसा आपको आपके सिम्टम के बेसिस पे आपको इसमें रिपीटेशन होता है, बट जनरली मैं अपने पेशेंट को एडल्ट पेशेंट जो होते हैं उनको 4 बार मैं ये डोज जो है वो रिपीट करता हूँ दिन में। अगर उनको सिम्टम अगर सीवियरिटी ज़्यादा है तो 4 बार से ज़्यादा भी दिया जा सकता है, बट आपके पेशेंट के जो सिम्टम होते हैं सिम्टम पे और उनके प्लेटलेट काउंट भी जो रिपोर्ट्स आती है उसके आधार पर इसका जो रिपीटेशन होता है वो डिपेंड करता है। इसलिए आपको जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आप यहाँ पर कोई भी मेडिसिन जो आपको बता रहे हैं वो आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहता है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। क्योंकि प्लेटलेट अगर आपके ज़्यादा कम आ रहे हैं और आपको डेंगू जैसी बीमारी है तो इसमें आपकी लापरवाही या आपका सेल्फ मेडिकेशन जो होता है वो आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। और रही बात दोस्तों बच्चों के केस की, तो बच्चों के केस में आप बिल्कुल भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार ही दवा लें। क्योंकि बच्चों का जो केस होते हैं बच्चों के केस में मेडिसिन की क्वांटिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है और उसको रिपीटेशन करने का तरीका भी चेंज हो जाता है। इसलिए आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार लें, होम्योपैथी डॉक्टर से पूछ कर आप दवा लें तो बेहतर रहेगा। इसके लिए आपको क्या करता है, अगर हम बात करें कि ये कहाँ मिलेगी तो अपने नज़दीकी किसी भी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वहाँ पर ये मेडिसिन है आपको बड़ी आसानी से वो आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको प्रॉपर आपके केस को देखते हुए आपको वो आपको सजेस्ट करते हैं। दोस्तों वहाँ पर आपको ये मेडिसिन बड़ी आसानी से मिल जाती है। यह तो बात होगी दोस्तों आपको मेडिसिन को किस तरह से लेना है, इसको क्या तरीका है इसको लेने का और इसको कैसे बनाना है। अब अगर हम बात करें सावधानियाँ की, तो सावधानियाँ जैसे मैंने आपको बताया था सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि डोज जो होते हैं वो आपके सिम्टम के बेसिस पे डिपेंड करते हैं। दोस्तों इसके अलावा इसके साथ साथ में और भी कुछ मेडिसिन होती है जो कि दी जाती है तो उसके और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, आपके प्लेटलेट काउंट को और जल्दी और वो बड़ी तेजी से वो बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकती है। दोस्तों यह एक छोटी सी जानकारी थी आज जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की है कि अगर आपका प्लेटलेट काउंट जो है अगर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है तेजी से गिर रहा है तो उसको आपके होम्योपैथी उसको बढ़ाने में किस तरह से आपको हेल्प कर सकती है,
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।